भाई मेरा ये करंट स्टॉक का है, ये पुराना स्टॉक नहीं है और कोई कॉपी नहीं है, ये है ओरिजिनल हुआ भाई। अभी तक मैं जो सबसे पहला SJG का प्रोडक्ट बना था जो सिर्फ था SJG, और उसके बाद बना जो लिव SJG का नाम से आया था। मिनट ये स्टॉक अब आप लोग को इसी में दिखाते हैं। फोल्ड सारा काम कंप्लीट हो गया है, हर चीज़ फाइनल हो गया है। अब आप लोग को दिखाते हैं वायरिंग का कनेक्शन पहले तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का टॉपिक किस बेसिस पे है, आप लोग देख ही लिए होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम भाई जा रहे हैं अपना ये वो जो लगाने वाले हैं इस बाइक में एक बार मॉडिफिकेशन का जो आ रहा है वो हम लेने जा रहे हैं। वो रोशन भाई जाना पड़ता है टाउन को उधर, बुट्टी मोड़ का उधर। तो हम भाई ऑलरेडी हम ड्यूटी में हैं, अभी ड्यूटी में ही है। थोड़ा हम 10-15 मिनट का ये लेके निकले हुए हैं छुट्टी लेके, तो जा रहे हैं रोशन। वो मेन भाई आप लोग को बता ही देते हैं, फॉग लाइट है तो वही लगाने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं फाइनली इस बाइक में। बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भाई लगाओ फॉग लाइट लगाओ, और हमको भाई पर्सनली फॉग लाइट अच्छा लगता है। इस बाइक का लाइट हमको वैसा कुछ समझ में आता नहीं है रात में, और भाई बारिश के टाइम पे तो इसका लाइट तो भाई भूल ही जाइए कि इसका बाइक आपको अच्छा मिलने वाला है। और फॉग लाइट कितना पड़ा और SJG का फॉग लाइट रहेगा तो ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कैसे आप लोग देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। पहले तो लाइट लेते हैं। रोशन भाई वेट कर रहा है वहाँ पे, चलते हैं एंड फिर आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे बुट्टी मोड़ चौक के पास। और देखिए रोशन मिल गया है, और जो सामान हमको लेना था वो रहा, वो ये रहा। तो इसका तो अनबॉक्सिंग आप लोग को वहाँ पे दिखाएंगे जहाँ पे ये लगाएंगे, और इसमें क्या क्या ओरिजिनल डुप्लीकेट कैसे देखना है वो सब कुछ। और ये स्विच भी है अलग से साथ में BSDDP का, तो इसको रखते हैं भाई अब बैग में। धर तो अब यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं भाई अपना जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे शॉप, और फिर आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट जब जहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे। एंड गाइस फाइनली अपने शॉप में, और आज काम जा रहे स्टार्ट करने, और प्रोडक्ट आप लोग को दिखाते हैं। प्रोडक्ट एक और चीज़ जो आप लोग को बताना था कि न्यू ड्यूक जनरेशन 250 में वायरिंग तो भाई हम कुछ कट करने वाले नहीं है, एंड फुल वायरिंग आप लोग को मिलेगा, पूरा वायरिंग का डिटेल मिलेगा कि आप लोगों को कनेक्शन कैसे करना है, या आप खुद से भी कर सकते हैं, कहीं बाहर वाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्लैम कैसे बनाए सब कुछ आप लोगों को बताएं, और प्राइस किसका कितना क्या पड़ा वो सब तो आपको बताएंगे। एंड SJG का प्रोडक्ट भाई जो मार्केट में आप लोग को मिलता भी है फॉग लाइट, तो ओरिजिनल कैसे देखें, फेक कैसे देखें, कौन रियल है कौन नहीं है, ये चीज़ आप लोग का सब कुछ हम कन्फर्म करने वाले हैं कि आप लोग के हिसाब से कौन सा लेना सही रहेगा नहीं लेना रहेगा। और आप लोग भाई देख के मतलब सिंपल सा भाषा में आप लोग समझ जाइए कि आप अगर लेते हैं बाहर से प्रोडक्ट तो आप लोग का ओरिजिनल है या फिर ये आप लोग का, हम आज इस ब्लॉग में भी दिखा देंगे। एंड पूरा फुल वायरिंग जैसा बताएं, पूरा वायरिंग का कनेक्शन आप लोग को बताएंगे। बाइक देखिए मेरे पीछे लगा हुआ है एंड सब कुछ लगाए हुए हैं, कुछ काम कर लिए हैं, उसका पट्टी उट्टी जो बनाना था वो बना लिए हैं। तो आप लोग को सीधा बाइक के पास ले चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए क्लिप तो आप लोग को हो सकता है मिल ही गया होगा, या फिर नहीं मिला होगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इधर पत्ती निकाल के ये यहाँ दो वो इसके साथ में देता है, फॉग लाइट के साथ में देता है। तो फॉग लाइट अभी हम दिखाने वाले हैं आप लोग को अभी, बट यहाँ पे हम नट ये दोनों लगा लिए हैं। एंड चलिए आप लोग को दिखाते हैं फॉग लाइट, और ये रहा भाई ये रहा SJG। इसमें आपको देखिए पहले जो प्रोडक्ट आता था ना, एक तीन टाइप का आया हुआ भाई। अभी तक में जो सबसे पहला SJG का प्रोडक्ट बना था जो सिर्फ था SJG, और उसके बाद बना जो लिव SJG का नाम से आया था, लिव SJG का नाम से आया था। एंड ये तीसरा वाला जो अभी की करंट का स्टॉक का है भाई, पूरा नया फुल। तो नया स्टॉक में देखिए आपको यहाँ पे एक मिलेगा स्कैनर, यूजिंग ऑल एप्स दैट कैन स्कैन कोड्स सच एज गूगल एक्सेट्रा। ये आप लोग यहाँ पे देखिए, जो हम यहाँ पे आप लोग को नंबर दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए नंबर दिख रहा होगा,
ये यहाँ पे आप लोग को स्क्रैच करने के लिए आएगा। स्क्रैच कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रैच ओपन वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे ये स्कैन करके ये डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा आप लोग का प्रोडक्ट मतलब जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है SGG की तरफ से। और इसके लिए तो स्विच देखिए, स्विच आप लोग को अलग से लेना पड़ेगा, ये देखिए स्विच लिए हुए हैं। और इसका प्राइस आप लोग को बताएंगे, और ये आप लोग को फॉग लाइट का आप लोग को बता ही दिए हैं कि आप लोग को ये ओरिजिनल और फेक कैसे दिखना है जानना है। ये देखिए स्कैनर यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी QR दिया हुआ है। तो अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या साथ में मिल रहा है इसका ये देखते हैं। ये भाई हम पहले ही कुछ कुछ निकाल के रख लिए थे, तो इसके साथ ये जो नट बोल्ट इसका जो मिलता है LNK वाला बोल्ट वोल्ट ये सब है यहाँ पे रख दिए। और ये दो वो क्लैंप आता है मिलता है, देखिए ये दो को मिलेगा आप लोग को। और ये देखिए कैसे लगेगा, हम कैसे जुगाड़ किए हैं, ये देखिए ये हम मेन जो हैंडल का ये जो रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ए भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको उसको माउंट, हैंडल माउंट, हैंडल माउंट में ये देखिए पत्ती निकाले हुए हैं ऊपर में। और इसको देखिए यहाँ पर लगाएंगे, ये रहेगा इसे देख लीजिए, और ज़्यादा तामझाम नहीं करना है इसमें, सीधा नीचे फोग लाइट लगेगा और ये वर्क हो जाएगा। हम लोग का लगाने का कंप्लीट हो जाएगा, बट वायरिंग का तो वो सबसे लास्ट में देखेंगे। ये रहा ये फोग लाइट का, भाई क्वालिटी आप लोग को दिखाते हैं। देखिए और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिव SGG इसमें भी लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि भाई ये नया प्रोडक्ट है, नया स्टॉक वाला में ये सब कुछ आप लोग का लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए मेरा लिखा हुआ है, इसी से पता चलता है भाई मेरा ये करंट स्टॉक का है, ये पुराना स्टॉक नहीं है और कोई कॉपी नहीं है, ये है ओरिजिनल। और इसके साथ हमको एक और चीज़ मिला था, वारंटी कार्ड एक पेपर टाइप का आता है, कहाँ चला गया वो मिल नहीं रहा, हमको लगता है गिर गया कि क्या। वारंटी कार्ड का एक पेपर हमको दिया था यहाँ पर साथ में, तो वो भी था बट वो वारंटी कार्ड इसका देखिए ये जो देता है इसका भाई कोई यूज, अरे भाई गिर गया उधर गिर गया उसका वारंटी कार्ड। और ये देखिए इसका साथ देता है हम कुछ इसका है लिब SGG का ये स्टिकर, आप लोग इसको लगा भी सकते हैं कहीं पे, अच्छा भी लगता है। और अब इसको करते हैं इंस्टॉल अपने बाइक में, इसको वारंटी कार्ड उठा देते हैं, इसको इंस्टॉल भाई करते हैं। पहले पत्ती को इसका जो क्लैंप दिया हुआ है, ये जो क्लैंप दिया हुआ है इसको पहले यहाँ पे टाइट करते हैं बाइक में, पहले फिक्स करते हैं एंड फिर आप लोग पहले ये लगा लेते हैं एंड फिर फोग लाइट लगाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देख लीजिए ये एक साइड का ये फोग लाइट देखिए इंस्टॉल कर लिया है क्लैंप लगा के, बहुत ईजी था भाई, कोई बड़ा ये नहीं था। इसको ऊपर लॉक को अच्छा से टाइट करना होगा आप लोग को, देखिए ऊपर से यहाँ से भी आप लोग टाइट कर सकते हैं, मेरा तो जगह था इसी में, नंबर प्लेट हम अलग से ये करवाए हुए थे। और एक साइड फोग लाइट लगा लिए हैं, सोचा आप लोग को दिखा देते हैं, इधर नट आप लोग का LNK बोल्ट टाइट होगा, एक इधर टाइट होगा, और इसमें सेम दूसरा वाला भी वैसा ही प्रोसेस करना है। तो अभी देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी सही लग रहा भाई देखने में, पूरा हो जाएगा, पूरा कर लेते हैं ये कम्प्लीट एंड फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोनों ही फोग लाइट इंस्टॉल कर लिए हैं, और इसका देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये रहेगा इस टाइप में, ऐसा में रहेगा कुछ देख लीजिए, अभी सिर्फ ऐसे ही लगाए हुए हैं नट बोल्ट, देखिए कुछ टाइट किया हुआ नहीं है। तो अभी कुछ देखिए भाई ऐसा लुक आ रहा है, सही तो लग रहा है यार देखने में। अब इसका लाइट भी हम आप लोग को रात में दिखाएंगे, दिन में तो पता चलेगा नहीं, रात में दिखाएंगे इसका विजिबिलिटी कैसा है, रात में कैसा मारता है। और ये लाइट को तो हम पूरा भाई ढकवा ही देंगे, इसको पूरा ब्लैक स्मोक करवा देंगे, तो ये तो भाई इसका कहानी ही ख़त्म हो जाएगा और वही काम करेगा, क्योंकि इसका लाइट उतना सही नहीं लगता हमको, सही क्या मतलब लगता ही नहीं है। अगर नॉर्मल ऐसे चल रहे हैं अपना गली वली तरफ चल रहा है तो अच्छा है, बट हाईवे में ये लाइट ना कोई काम कर रहता नहीं है, रात में अगर चलेगा ज़्यादा करके रात में ये प्रॉब्लम करेगा आपका। भाई देखते देखते हो गया रात, देख लीजिए बाहर
और दिन में हम काम नहीं कर पाए, थोड़ा बिजी हो गए थे यार, थोड़ा अकेले है ना तो प्रॉब्लम हुआ, कुछ कुछ थोड़ा ऐसा इशू आया कि जिसकी वजह से हम दिन में हम ये नहीं कर पाए, वीडियो नहीं बना पाए। तो अब ये देखिए कर रहे हैं, रात में दुकान के अंदर घुसा के भाई कर रहे हैं, अकेले थे दुकान में, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बट कोई नहीं। वायर देखिए, वायर यहाँ पे इसको अंदर से लाए हैं, यहाँ पे नीचे से अंदर से ये जगह से अंदर से इधर अंदर से नीचे से लाए हैं ये यहाँ इसका अंदर से पूरा, तो पता नहीं चल रहा कहीं भी तार। और इसका वायरिंग करेंगे। और एक चीज़ भाई, रात हो ही गया ना तो एक और बेनिफिट भी हो जाएगा, और वो बेनिफिट क्या होगा ना कि अब इसमें हमको पता चल जाएगा ना कि लाइट का मतलब विजिबिलिटी कैसा है, रात भी हो गया है तो आप लोग को हम पूरा चेक करके दिखाएंगे। कहीं पे भाई पूरा खाली जगह रहेगा जहाँ पूरा काला मतलब अंधेरा रहेगा वहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे। तो पहले इसका फॉग लाइट का वायरिंग लगाते हैं एंड लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं, भाई थोड़ा अकेले हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है तो लगाते हैं एंड फिर आप लोग को अच्छा से डिटेल में समझाते हैं। फाइनली वायरिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया है, हर चीज़ फाइनल हो गया है। अब आप लोग को दिखाते हैं वायरिंग का कनेक्शन। पहले तो देखिए आप लोग को करना क्या है, दोनों फॉग लाइट का, उधर का फॉग लाइट का वायर, इधर का फॉग लाइट का वायर, दोनों तरफ का वायर को पीला को दोनों का येलो में रहेगा, दोनों साइड का येलो येलो वायर रहेगा वो दोनों को एक दूसरे में पहले अटैच कर दीजिए, ब्लैक ब्लैक वायर रहेगा वो दोनों को एक दूसरे में अटैच कर दीजिए, और रेड का वायर रहेगा वो दोनों को अटैच कर दीजिए। मतलब दोनों एक दूसरे से होना चाहिए, पीला पीला में उधर दोनों फॉग लाइट का तार को, ये हो जाएगा, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। तो ये इधर हो गया, पीला पीला वायर हो गया, ब्लैक ब्लैक वायर हो गया, रेड रेड वायर हो गया, फॉग लाइट का है भाई, फॉग लाइट का बता रहे हैं। स्विच देखिए, स्विच हम कहाँ लगाए हुए हैं, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं बट यहाँ लगा हुआ है, देखो स्विच कहाँ लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं। अंधेरा हो गया ना भाई, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बट आप लोग को लाइट का विजिबिलिटी पूरा दिखाएंगे। भाई इतना अच्छा लाइट मार रहा है ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें ये जो स्टॉक वाला लाइट का कुछ इसका रोल ही नहीं समझ में आ रहा है। तो अटैच कर दिए, और फॉग लाइट का देखिए येल्लो वाला वायर, फॉग लाइट का येल्लो वाला वायर, पीला वाला वायर से एक वायर को हम यहाँ देखिए निकाले हुए हैं जो कि ब्लू कलर का है, देखिए हाथ में उंगली में ये करके दिखा रही है नीचे, इसको स्विच का एक वायर में, स्विच का भी आपका तीन वायर रहेगा, एक मेरा इसमें है येलो एंड ग्रीन एक है, और ब्लैक और रेड मतलब तीन है, येलो ग्रीन ग्रीन ब्लैक और रेड। तो येलो वाला को हम देखिए इसमें दिए हैं ब्लैक वाला में, स्विच का ब्लैक वाला में दे दिए, ये इसका काम ख़त्म, येलो वाला का स्विच में एक ब्लैक में दे दीजिए, काम ख़त्म। और फिर अब आप लोग को दिखाते हैं, अब फॉग लाइट का ये ब्लैक वाला वायर को ये निकालिए, फॉग लाइट का ये जो दोनों तार को अटैच करके जो ब्लैक कलर का वायर था दोनों फॉग लाइट का, इसे एक वायर निकाले हैं, और ये सीधा भाई ले जाइए आप लोग इसका एक अर्थिन, ये रहा ये आप लोग को दिख रहा हो, ये देखिए ये सीधा हम अर्थिन में लगा दिए, ये आप लोग का कंप्लीट, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्लैक वाला वायर चला गया, दोनों फॉग लाइट को अटैच कर दिए, दोनों फॉग लाइट का ब्लैक वाला वायर को अटैच करके ये निकाले वायर, और ये चला गया सीधा अर्थिन में, इसका भी काम ख़त्म। और बचा अब रेड वाला वायर, फॉग लाइट का रेड वाला वायर को देखिए निकाले हुए एक ब्लैक कलर का वायर से, थोड़ा बड़ा किए हैं डायरेक्ट स्विच का रेड में, ये देखिए रेड वाला देख लीजिए, इसमें फिर से अच्छा से समझा दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा भाई पूरा समझने का। स्विच में भी तीन वायर है, फॉग लाइट में दोनों साइड तीन वायर है, फॉग लाइट का दोनों तीनों तार को अटैच कर देना है, रेड रेड में, ब्लैक ब्लैक में, येलो येलो में, वहाँ काम हो जाएगा। तो फॉग लाइट का देखिए ये रेड वाला वायर को हम लोग लेके आ गए हैं सीधा इसका, ये देखिए फॉग लाइट का रेड वाला वायर से हम लोग जो निकाले हैं वायर एक ब्लैक कलर का, ये दोनों कटा करके यहाँ तार निकाले एक ब्लैक कलर का, इसे इधर लगा दिए स्विच का रेड में, ये एक तार का ख़त्म हो गया, स्विच का भी एक हो गया, और फॉग लाइट का भी एक तार का वायरिंग कंप्लीट हो गया, और स्विच का अब है ब्लैक वाला, सॉरी फॉग लाइट का है ये देखिए, ये ब्लैक वाला वायर को लेके हम लोग सीधा गए हैं भाई, ये देखो अर्थिन
दूसरा वायर फॉगलाइट का कंप्लीट हो गया, बट अभी भी दो वायर हम लोग के यहाँ पर बचा हुआ है, और ये बचा तीसरा येल्लो वाला वायर। तीसरा देखिए येल्लो वाला वायर फॉगलाइट का, इससे हम लोग निकाले हैं ब्लू कलर का, जो हम लोग सिंपली भाई सीधा सा मेथड है, इसको हम लोग अटैच कर दिए हैं ब्लैक वाला वायर में, स्विच का ब्लैक वाला वायर में। अब हम लोग का स्विच का सिर्फ एक वायर बचा, जिसको हम लोग को देना है बाइक का कहीं भी पॉजिटिव टर्मिनल में, जो एक हम लोग का ये हरा पीला जो दिख रहा है ना, इधर देखिए दिख रहा है या नहीं, हरा पीला जो आपको दिख रहा होगा, ये सीधा ले गए भाई आप, हम यहाँ पे दे दिए हैं पॉजिटिव टर्मिनल में, बैकलाइट का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल में। आई होप आप लोग को वायरिंग का पूरा सिस्टम आप लोग समझा पाए होंगे, बहुत ईजी है, खुद से कीजिए, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है भाई। अब कहीं चलेंगे और फ्यूल अप भी करवाना है, एंड आप लोग को भाई पूरा वायरिंग आप लोग को दिखा दिए, हर चीज़ दिखा दिए, और फॉग लाइट का विजिबिलिटी दिखाते हैं। अब चलते हैं एंड सीधा मिलते हैं आप लोग से रास्ते में, या फिर जहाँ पे रुकेंगे सीधा वहाँ पे मिलते हैं। एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गए थे, जो आप लोग को हम बता देते हैं, उसके लिए सॉरी रहेगा। ये फॉग लाइट का प्राइस, ये फॉग लाइट का प्राइस हम लोग को पड़ा, देखिए इसमें MRP लिखा हुआ है 1250 रुपये फॉग लाइट का पड़ा, एंड स्विच का BSDDP का 230, तो 1250 और 230 भाई, ये दोनों का हमको सिर्फ इतना पड़ा, वायर ले लीजिए, एक टेप ले लीजिए, खुद से वायरिंग कीजिए। अब प्राइस भी आप लोग को बता दिए, अब चलते भाई सीधा रास्ता में, मिलते हैं आप कहीं भी। और भाई देख लीजिए भाई, पूरा अंधेरा ही में आ गए हैं, सब तरफ अंधेरा अंधेरा है। देखिए आगे से एक शायद स्कूटी आ रहा है, उसका लाइट, अभी लाइट का विजिबिलिटी आप लोग को दिखाने वाले हैं। और पहले तो देखिए जो हम लोग का कंपनी से स्टॉक में आता है हेडलाइट का लाइट, वो देखिए ये रहा ऐसा, देख लीजिए आप लोग। और इसको ये तो अपर में जल, ये देखिए ये लाइट रहा, ये डीपर इसका लाइट है, ऐसा नहीं मतलब पूरा ख़राब भाई, लाइट भी मतलब ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब पता नहीं चलेगा, अभी जैसे कि बारिश वारिश का मौसम वौसम नहीं रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए ये रहा और ये रहा अपर, ये रहा डिपर, ये रहा अपर। अब इसको करते हैं ऑफ, यहाँ पे आप लोग देख लिए, इसको करते हैं ऑफ, तो भाई तुम हो जाओ ऑफ, ये ऑफ हो गया। अब आप लोग सी भाई रास्ते में ध्यान दीजिएगा, अरे कहाँ चला गया स्विच, ये देखो भाई लाइट देख रहे हो आप, भाई क्या लाइट मार रहा है यार, और ये देखो वाइट वाला लाइट थोड़ा दूर में मार रहा है, पता नहीं कैसे जो उतना दूर में मार रहा है, थोड़ा सामने होना चाहिए था वाइट वाला लाइट को, बट वाइट वाला लाइट थोड़ा सामने हो नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। बट लाइट आप लोग विजिबिलिटी देखो, माय गॉड मतलब, और इसमें देखिए येलो वाला फिर से जला कर आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये रहा रात में देखिए कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा आपका लाइट फॉग लाइट, ये रहा ऐसा। तो और फिर से आप लोग को दिखाते हैं, वेट अ मिनट, ये स्टॉक, अब आप लोग को इसी में दिखाते हैं फॉग लाइट जला के, ये देखो लाइट देख रहे हो, पता नहीं आप लोग को इसमें गोपरों में आप लोग को अच्छा से क्लियर हो रहा होगा या नहीं, बट लाइट मार रहा है यार, आप लोग पूछिए मत। ये देखिए भाई वाइट लाइट तो पता ही नहीं चल रहा, वाइट लाइट है इसमें भी, थोड़ा मोड़ा सिर्फ अंश दिख रहा है बस। तो जो था भाई इतना ही था, इसको एडजस्ट करने वाला कुछ देखते हैं, वाइट लाइट तो थोड़ा आगे मार रहा है एंड ये थोड़ा नीचे मार रहा है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। और हो गया भाई पूरा फाइनली कंप्लीट 1400-1500 रुपये में, और क्या चाहिए। फाइनली ब्लॉग हम कहाँ पे कर रहे हैं अपना एंड, एंड मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो बाकी आप लोग देख लीजिए जो करना हो कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से, टाटा बाय बाय।